आपको भू आमलकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखिए कहीं भी किसी भी ढंग से उग जाता है। ये मेरे छत के पास देखिए किस ढंग से कितनी बड़ी मात्रा में उगा हुआ है। ये एक झाड़ के रूप में उगता है, मगर इसके बहुत बड़े गुण हैं। ये भू आमलकी का देखिए मैंने एक पौधे को उखाड़ लिया। इसमें देखिए आप छोटे छोटे फल लगे हुए हैं जो पत्ती के निचली सतह पे होते हैं। आपको मैं पौधे को घुमा के भी दिखा रहा हूँ। देखिए इस पौधे का मेन प्रयोग लीवर डिजीज में किया जाता है। आमलकी का पौधा वैसे तो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, मगर मुख्य रूप से ये गर्म प्रदेशों में मिलता है। भू आमलकी जो होता है ये पौधा अरुचि, अग्निमांद, कामला, आम्लपित्त में बहुत अच्छा कारगर है। ये चर्म रोगों में भी इसका प्रयोग करते हैं, प्रमेह में भी, मतलब डायबिटीज में भी इसका अच्छा उपयोग होता है। ये कासहर और श्वासहर होता है। ये खांसी और श्वसन संबंधी बीमारियों में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। इस पौधे का पंचांग अर्थात पांचों चीज, जड़, तना, फूल, पत्ती, फल प्रयोग में आते हैं। इसका आप अगर स्वरस बनाएंगे अर्थात इसके संपूर्ण भागों को पीस कर, पहले इसे अच्छे से धुलकर और पीस के इसका एक कपड़ा पीस कर एकदम लुगदी बना के और कपड़े से छान के जो इसका रस निकले उसको आप 10 से 20 ml ले सकते हैं। और अगर आप ये प्रक्रिया ना कर पाए तो इस पौधे को अगर आगे के लिए रखना हो तो इसे सुखा के, साफ करके, हल्का सा इसको सुखा के 3 से 6 ग्राम चूर्ण के रूप में इसे पूरा सुखा लें, फिर इसे मिक्सी में पाउडर बना के 3 से 6 ग्राम आप ले सकते हैं। ये बहुत कारगर है। आमलकी के पौधे का प्रयोग आप किसी वैद्य के ही निर्देश पे करिए, अन्यथा इससे आपको नुकसान भी हो सकता है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी अगर आप बिना किसी वैद्य के सलाह से इसका प्रयोग करते हैं।